जय हिंद बच्चों, आज हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 4 पर परिचर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र चैप्टर 4 जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। भारत के विदेश संबंध के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात होगी कि विदेश संबंध है क्या या विदेश नीति कहते किसे। तो संसार के जितने भी देश हैं या जितने भी प्राणी हैं, सभी अपना हित चाहता है, अपनी सुरक्षा चाहता है, अपनी समृद्धि चाहता है, अपना विकास चाहता है। एक कहावत भी है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। मतलब अकेला व्यक्ति अपूर्ण होता है, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, चाहे वह कितना भी समृद्ध क्यों न हो, अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं से नहीं कर सकता है। अपनी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं से नहीं कर सकता। सबको एक दूसरे के सहयोग या सहायता की जरूरत होती है। इसलिए अपने विकास के लिए, अपने समृद्धि के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हर देश अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करता है। और विश्व के जो अच्छे देश हैं, शांतिप्रिय देश हैं, समृद्ध देश हैं, चाहता है उसके साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा संबंध बने। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त हुआ। आजादी के समय भारत के पास कुछ भी नहीं था। एक जर्जर अर्थव्यवस्था के रूप में भारत स्वतंत्र के रूप में, देश के रूप में अस्तित्व में आया था। आजादी के पूर्व ही देश की इस व्यवस्था को देखरेख करने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। सितंबर 1946 ईस्वी में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की देखरेख में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। और अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, और पंडित नेहरू ने विदेश विभाग भी अपने हाथ में ही रखा। क्योंकि भारत के पहले विदेश मंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और भारत के विदेश नीति का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसलिए भारतीय विदेश नीति के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। भारत को आजादी मिली, या यूं कहे जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो संपूर्ण विश्व दो विचारधाराओं में बट गई थी। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन, जिसके बारे में कहा जाता है जिसके राज्य में कभी सूर्य अस्त होता ही नहीं था, तो इंग्लैंड के प्रभाव में कमी आने लगी, या इंग्लैंड प्रभावहीन हो गया और विश्व के राजनीति में पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी रूस का दबदबा कायम हो गया। ये दोनों ही देश संपूर्ण विश्व पर अपनी विचारधारा को फैलाना चाहते थे। जहां अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को प्रसार करना चाहते थे, वहीं सोवियत रूस साम्यवादी विचारधारा को फैलाना चाहते थे। जो देश नए स्वतंत्र हुए थे उनके सामने बड़ी कठिन समस्या थी कि अपने विदेश नीति का, अपने आर्थिक नीति का निर्माण कैसे किया जाए। भारत अपने विदेश नीति का निर्माण कर ही रहा था कि सोवियत रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन ने कह दिया था कि जो हमारे साथ नहीं वह हमारे खिलाफ है। मतलब जो मेरा दोस्त है
स्पष्ट खुलकर हमारे सामने आए। यदि आप हमारा साथ नहीं देते हैं, हमारे पक्ष में नहीं बोलते हैं, इसका मतलब आप मेरे विपक्ष में हैं। हालांकि स्टालिन के इस स्टेटमेंट को कि जो हमारे साथ नहीं वो हमारे खिलाफ है, इसका निंदा किया था अमेरिका के विदेश सचिव जॉन फास्टर डलेस ने, कहा कि अनैतिक नीति उचित नहीं, हर देशों को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी विचारधारा को अपने नीति को अपने सिद्धांत को बनाने का पूरा पूरा अधिकार है। पंडित नेहरू अपनी विदेश नीति का निर्माण करने के लिए इन्होंने सबसे पहले 1947 में एशिया महादेश के सभी प्रमुख देशों का नई दिल्ली में मीटिंग बुलाया, मतलब 1947 में दिल्ली में एशियाई देशों के साथ अच्छे संबंध की स्थापना करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया था। 1949 में संयोग से 1 अक्टूबर चीन भी इंग्लैंड का उपनिवेश था और चीन इंग्लैंड से 1948 ईस्वी में मुक्त हुआ था। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी। चीन जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी, ऐसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है, लेकिन एशिया महादेश की बात करें, महादेश सात हैं ध्यान रखेंगे, तो एशिया महादेश में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी चीन है, और चीन भारत के उत्तर में बसा हुआ भारत का एक पड़ोसी देश है। भारत के 5 राज्य चीन से सटे हुए हैं, भारत और चीन को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी है सीमा रेखा लगी है भारत और चीन के बीच। तो भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन के साथ 1954 ईस्वी में एक समझौता किया, उस समझौता को हम पंचशील समझौता कहते हैं। 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के बीच आपसी सहयोग समर्थन विश्वास के आधार पर 5 बिंदुओं पर एक समझौता हुआ। चूंकि समझौता 5 बिंदु पर हुआ था इसलिए इसको हम पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के बीच हुआ था। इसका नाम पंचशील इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें 5 बिंदुओं पर वार्ता हुई थी, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के घरेलू मामला में हस्तक्षेप नहीं करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का विकास करना, ऐसे 5 बिंदुओं पर वार्ता हुई थी इसलिए नाम पड़ गया पंचशील। स्विज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, इस पर मिस्र का अधिकार है, मिस्र के कुल राजस्व का कुल जीडीपी का 10% स्वेज नहर से प्राप्त होता है। 1956 ईस्वी में जब स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, हालांकि याद कर ले कि स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, फ्रांस के एक इंजीनियर थे फ्रांसिस डी लेसेप्स, उनके देखरेख में इस नहर का निर्माण किया गया था। तो आपको बता दें कि स्वेज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, आर्थिक दृष्टिकोण से व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण नहर है। 1956 ईस्वी में स्वेज नहर का जब राष्ट्रीयकरण हो गया तो ब्रिटेन फ्रांस और इजराइल ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण को भंग करने का प्रयास किया था। हालांकि रूस ने इसमें अपनी टांगाराई हस्तक्षेप किया, तो रूसी हस्तक्षेप के कारण इन तीनों देश मतलब ब्रिटेन फ्रांस और इजराइल वापस हो गए। अमेरिका सोवियत संघ के साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध, साम्यवादी विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए 1949 में नाटो नामक एक सैनिक गुट की स्थापना किया था और 1954 में सीटो नामक एक संघ की स्थापना किया था। 1954 में मनीला की संधि के द्वारा अमेरिका ने फिलीपींस, थाईलैंड,
पाकिस्तान को सीटो गुट में शामिल कर लिया और पुनः 1955 में बगदाद की संधि किया और बगदाद की संधि के द्वारा अमेरिका ने ईरान, इराक, तुर्की और पाकिस्तान को अपने गुट में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। भारत के सामने समस्या आ गई थी, भारत किसी पक्ष में जाना नहीं चाहता था क्योंकि भारत के विदेश नीति का आधार है कूटनिरपेक्षता। भारत न पूंजीवादी गुट में जा गया न साम्यवादी गुट में गया, लेकिन देखा कि हमारे आसपास के सारे देश अमेरिका के पक्ष में झुक गए तो 1971 में भारत ने भी रूस का बांह पकड़ लिया और भारत और रूस के बीच 1971 में शांति और मित्रता की संधि हुई थी जो आज तक बरकरार है, इसमें कभी दरार नहीं आई। उसके बाद 1955 में इंडोनेशिया के बाडोंग शहर में एशिया और अफ्रीका के प्रमुख देशों ने एक मीटिंग बुलाया, उसमें 29 देश शामिल थे, मतलब एफ्रो एशियाई देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1955 में इंडोनेशिया के वाडोंग शहर में हुआ था। चूंकि भारत न पूंजीवादी गुट में जाना चाहता था न साम्यवादी गुट में जाना चाहता था, दोनों ही गुट से एक अलग गुट का निर्माण किया था, उसे गुट निरपेक्षता कहा गया। तो गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर में हुआ था। गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता की नीति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में चर्चा सेकेंड वॉल्यूम में करेंगे हम लोग। तो 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर में गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। आप जानते हैं कि परमाणु बम बनाने वाला विश्व का पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है और परमाणु बम का प्रयोग करने वाला भी विश्व का पहला देश अमेरिका ही है। और अमेरिका ने अपने पहले परमाणु बम का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर किया था और अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था। उस बम का नाम था क्रमशः लिटिल बॉय और फैट मैन। उसके बाद रूस दूसरा विश्व का देश हो गया जिन्होंने परमाणु बम को बना लिया। विश्व के 5 ऐसे देश हो गए जो परमाणु संपन्न हो गए और इन 5 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के नेतृत्व में 1963 में पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि ला दिया। पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि कहता है कि कोई भी देश हवा में, जल में और जमीन पर, हवा में, जल में और जमीन पर परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकता है। आपको बता दें अफ्रीका महादेश में रंगभेद मतलब गोरा काला की नीति चलती थी। 1990 ईस्वी में अफ्रीका से रंगभेद की नीति समाप्त हो गई और दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति या श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे और भारत की यात्रा पर आने वाले दक्षिण अफ्रीका के पहले काला राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ही हैं और नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता कहा जाता है, याद रखेंगे। तो 1990 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति समाप्त हो गई क्योंकि पंडित नेहरू का ब्रिटेन के प्रति झुकाव ज्यादा था, इसलिए चीन के शासक माओ से तुंग ने पंडित नेहरू की निंदा करते हुए कहा, ब्रिटिश साम्राज्य का सहायक श्वान, मतलब माओ से तुंग ने पंडित नेहरू को ब्रिटिश साम्राज्य का सहायक श्वान कहा। यहां ध्यान देने योग्य बात है, हमने कहा कि 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच आपसी सहयोग के लिए पंचशील समझौता हुआ था, लेकिन चीन प्रारंभ से ही विस्तारवादी नीति में विश्वास करता है और अपने विस्तारवादी नीति के तहत 1959 में तिब्बत को हड़प लिया। भारत ने इसे चीन का आंतरिक मामला बताते हुए कुछ नहीं बोला, लेकिन 1960-61 की कहानी है कि चीन अपने मानचित्र में भारत के एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश जिसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, उसके कुछ जिला को अपने मानचित्र में दर्शा दिया, उसका नाम रखा तवांग और अपने सेना उस क्षेत्र में अपने सैनिक कैंप लगाना शुरू कर दिया।
और जब भारत ने इसका विरोध किया तो 1962 में चीन ने पंचशील समझौता का उल्लंघन करते हुए मित्रता के नाम पर कालिक पोतते हुए भारत पर चीन ने 1962 में आक्रमण कर दिया। मन में प्रश्न होगा कि जब भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ, मित्रता हुई, दोस्ती हुई, तो आखिर 1962 में चीन ने मित्रता के नाम पर मित्रता को कलंकित करते हुए आक्रमण क्यों किया। मतलब 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ, युद्ध के क्या कारण थे? तो पहला, चीन शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना में विश्वास नहीं करता है, उसे वह शांति की रीति में विश्वास ही नहीं करता है। दूसरा कारण, चीन सभी समस्याओं का समाधान बलपूर्वक करना चाहता है। उसके मन में यह विश्वास है कि हमारे पास इतनी ताकत है कि मैं अपनी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं से और बलपूर्वक कर सकता हूं। तीसरा कारण, चीन संपूर्ण एशिया महादेश में अपना वर्चस्व, अपना दबदबा जमाना चाहता था। अगला बात लगा, चीन को लगा कि अगर भारत पर आक्रमण करके भारत को पराजित कर देते हैं तो वहां पंडित नेहरू की सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, और जब पंडित नेहरू की सरकार गिरेगी तो कोई वहां पर साम्यवादी विचारधारा वाला लोग सत्ता में आ जाएगा, और जब साम्यवादी विचारधारा वाला लोग सत्ता में आएगा तो भारत में भी साम्यवादी शासन की स्थापना हो जाएगी। तो इन्हीं कारणों से चीन 1962 में भारत पर आक्रमण किया। चीन के आक्रमण करने के 3 वर्षों के बाद ही 1965 में पाकिस्तान ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। एक बात जान लें कि पाकिस्तान का 1947 से पहले अपना कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से ही निकला है। पाकिस्तान भारत से ही 14 अगस्त 1947 को मुक्त हुआ है। तो 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का मूल कारण था कश्मीर समस्या का समाधान, क्योंकि 1947 में ही कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान में एक युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में वहां पर युद्ध विराम हुआ और कहा गया कि जब स्थिति सामान्य होगी तो जनमत संग्रह कराया जाएगा कश्मीर में, लेकिन भारत ने नहीं कराया। तो पाकिस्तान समझा, सोचा 1965 में कि कश्मीर समस्या का समाधान युद्ध से ही हो सकता है, और यही सोचकर पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर लिया। हालांकि 1965 में पाकिस्तान में सैनिक शासन थे और वहां के राष्ट्रपति अयूब खान थे, और भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी और भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री इस युद्ध के समय एक नारा दिए थे, जय जवान जय किसान। इससे किसान का मनोबल बढ़ा। जय किसान इसलिए क्योंकि मानसून असफल हो गया था, खेती बाड़ी का उत्पादन रुक गया था, तो जय किसान का नारा दिए। और जय जवान, जवान मतलब भारत के सेना को जवान कहते हैं, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, और इसी नारा के बल पर हमारे सैनिकों के आत्मबल बढ़ गया और 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया। पाकिस्तान की पहली राजधानी थी लाहौर, वर्तमान समय में इस्लामाबाद है। भारतीय सेना लाहौर तक जा पहुंची, बुरी तरह से पाकिस्तान पराजित हुआ 1965 की लड़ाई में। अंत में पाकिस्तान सोवियत रूस के शरण में गया, और सोवियत रूस के उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था केशोगिन, केशोगिन के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के बीच रूस के ताशकंद शहर में, जनवरी 1966 में रूस के ताशकंद शहर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौता की बिचौलिया पंच सोवियत संघ के राष्ट्र प्रधानमंत्री केशोगिन ने किया था। इस समझौता में सोवियत रूस ने दोनों ही देशों से आग्रह किया कि युद्ध से पहले जो जहां था वहां चल जाए, मतलब भारत के ऊपर दबाव पड़ा, दबाव डाला, और दबाव डाल करके पाकिस्तान के जीते गए क्षेत्र को वापस करने की बात कह दिया। कहा जाता है
कि हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस शद्म सिग्नेचर तो कर दिए दबाव में आके, शद्मे को बर्दाश्त नहीं किए और होटल में आए, उनका हृदय गति रुक गया और हृदय गति रुकने के कारण लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो प्रश्न आता है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई है, तो वह लाल बहादुर शास्त्री, या किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हृदय गति के रुक जाने के कारण हुआ है, तो लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु रूस के ताशकंद शहर में हुआ था। तो 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, उस समझौता को हम ताशकंद समझौता कहते हैं। इस समझौता में बिचौलिया की भूमिका सोवियत रूस ने निभाई थी। उसके बाद पुनः 1971 में भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया। इस युद्ध का कारण कुछ अन्य था, जैसे पाकिस्तान, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान दो बना, एक भारत के पश्चिम में जो वर्तमान में पाकिस्तान है और एक भारत के पूर्व में जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध है। दो पाकिस्तान बने, एक पश्चिम को पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्व को पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान ने तय किया था कि 5 वर्ष पूर्वी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में रहेगा तो अगले 5 वर्ष पश्चिमी पाकिस्तान के कोई व्यक्ति, कोई राजनेता प्रधानमंत्री के रूप में आएगा। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में जनसंख्या ज्यादा था, संसाधन ज्यादा थे, अधिकांश राजनीतिक गुरु व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान के ही थे। जब 71 में पूर्वी पाकिस्तान की बारी आई सत्ता को संभालने की और शेख मुजीबुर रहमान चुनाव में खड़ा हुए तो पश्चिमी पाकिस्तान में भी खड़ा हुए। जब शेख मुजीबुर रहमान ने इस बात का विरोध किया तो पश्चिमी पाकिस्तान के जो याहिया खान थे, तो याहिया खान के समर्थकों ने शेख मुजीबुर रहमान के समर्थकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मतलब वर्तमान बांग्लादेश में पाकिस्तान के सैनिक आकर के शेख मुजीबुर रहमान के समर्थकों की हत्याएं करने लगा। परिणाम क्या हुआ कि बांग्लादेश के अधिकांश नागरिक या शेख मुजीबुर रहमान के समर्थक भारत के बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, इन राज्यों में घुसना प्रारंभ कर दिया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को सलाह दिया कि आप अपने निवासियों को कंट्रोल में रखें। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान, इस समय भी सैनिक शासन ही था, याहिया खान ने कहा यह हमारा आंतरिक मामला में है, इसमें आपको बोलने का अधिकार नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान के सेना से लदा हुआ एक जहाज बांग्लादेश की ओर जा रहा था, उस पर 90,000 सैनिक सवार थे। हमारे सैनिकों ने उसे क्या कर लिया, पकड़ लिया, क्योंकि हमारे सीमा में घुस गया था। घमासान युद्ध हुआ 71 में। इस युद्ध में भी पाकिस्तान बुरी तरह से पराजित हुआ था। और 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत के एक राज्य है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी शिमला, शिमला में एक समझौता हुआ था। तो 71 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान में एक समझौता हुआ, उसको शिमला समझौता कहते हैं। इस समझौता में श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के याहिया खान शामिल हुए थे। इसी समझौता में कहा गया था कि अब के बाद अगर हम दोनों के बीच किसी प्रकार की समस्या होती है तो तीसरे पक्ष की बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो वर्तमान तक चल रहा है। पाकिस्तान अपनी सारी समस्याओं का समाधान अमेरिका के नेतृत्व में चाहता है, लेकिन भारत कहता कि नहीं, कि शिमला समझौता में तय हुआ है कि हम दोनों के बीच अगर कोई विवाद हुआ उस विवाद का समाधान हम दोनों ही करेंगे, तीसरे पक्ष की बात को हम नहीं मानेंगे। हालांकि पाकिस्तान मानता नहीं है। 1971 के युद्ध के बाद भी 1999 में कारगिल युद्ध हुआ और वर्तमान में तो चल ही रहा है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि वाली कहानी है उसकी। आते हैं लास्ट भारत के परमाणु कार्यक्रम। जब विश्व के अधिकांश कई देश परमाणु बम बना लिए और 1966 में एक संधि आया था, उस संधि में कह दिया गया कि विश्व के 5 देश के पास परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी है, यही पांचों देश, यह पांचों देश अगले 25 वर्षों तक के लिए परमाणु बम बनाने की तकनीक किसी को नहीं देगा। मतलब
पांच देशों के अलावे विश्व का अन्य कोई छठा देश नहीं होगा ऐसा जो परमाणु बम बनाएगा। और वह पांचों देश परमाणु बम की आड़ में छोटे छोटे देशों को पर अपना धौंस जमाते रहते थे। भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला परमाणु 1974 में बना लिया था। भारत ने अपना पहला परमाणु बम 1974 में बनाया और पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण से हुआ, क्योंकि भारत में परमाणु बम के परीक्षण करने का जो जगह है वह पोखरण है, क्योंकि पोखरण में ही भूमि के अंदर सुरंग बना हुआ है। नियम है कि भूमि के अंदर ही आप परमाणु बम का परीक्षण कर सकते हैं। 74 में किया, चर्चा किया था पिछले वीडियो में। और पहला परमाणु परीक्षण का जो कोड था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में 1998 में दूसरी और तीसरी बार परमाणु परीक्षण हुआ, और 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ इसका कोड था शक्ति परीक्षण। क्या नाम था? शक्ति परीक्षण। यहां था स्माइलिंग बुद्धा और यहां क्या था? सैनिक शक्ति परीक्षण। मन में होगा कि भारत ने परमाणु बम बनाया तो भारत के परमाणु नीति क्या कहती है, भारत के परमाणु नीति का उद्देश्य क्या है। तो भारत के परमाणु नीति का पहला उद्देश्य है कि भारत अपने परमाणु बम का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए करेगा। भारत परमाणु संपन्न देशों से अपनी रक्षा के लिए परमाणु बम बनाएगा। भारत अपने परमाणु बम का प्रयोग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के लिए विकास करेगा। भारत पहले किसी देश पर परमाणु बम नहीं छोड़ेगा। भारत उस देश पर कभी भी परमाणु बम का हमला नहीं करेगा जिसके पास परमाणु बम नहीं है। लेकिन परमाणु नीति का कार्यक्रम ही कहता है कि यदि कोई देश हमारे देश के विरुद्ध परमाणु बम का हमला करता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मतलब भारत के परमाणु नीति का उद्देश्य क्या है? देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, किसी देश पर परमाणु बम का पहले प्रयोग नहीं करना, जिस देश के पास परमाणु बम नहीं है उस देश पर कभी भी परमाणु बम का प्रयोग नहीं करना, यह है भारत की परमाणु नीति। तो हम लोग अगले क्लास में अगले विषय को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।